BSc Part 3 Physics, Paper 3rd Solid State Physics, Lecture Number 13, Ghanshyam Nuwal.
divided by V minus Vj plus summation Vi. और कंप्लीटिव फील्ड अगर बैंड है, कंप्लीटिव फील्ड बैंड है, समेशन वी आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, समेशन वी आई इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो ये करंट डेंसिटी का वैल्यू हो गया जे इज इक्वल टू ई अपॉन वी वी जे। फील्ड बैंड है में एक इलेक्ट्रॉन के रिक्तता से उत्पन्न धारा धनात्मक आवेश के गति से उत्पन्न धारा के समतुल्य हो, यानी ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में ये जो होल्स है, ये होल्स का मूवमेंट अगर इधर से इधर होता है तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस, इसी को अपन बोल रहे हैं होल हो गए। तो कंडक्शन बैंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, उतने वैलेंस बैंड में फ्री होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया। तो वी ई इज इक्वल टू वी एच, वेलोसिटी को अगर इससे शो करें तो गति का समीकरण लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन डी बी ई बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स। होल के लिखे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, होल के लिखे तो एम होल डी बी एच बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू ई, होल पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस, दोनों को कंपेयर करें तो एम एच इफेक्टिव इज इक्वल टू माइनस एम ई इफेक्टिव। तो होल का जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव मास के इक्विवेलेंट होता है। तो पूरित बैंड के ऊपरी स्तरों में, ये जो पूरित बैंड है मतलब कंप्लीट फील्ड, इसमें जो ऊपर लेवल होंगे, ये बात है ऊपर लेवल, पूरित बैंड के ऊपरी स्तरों में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक होता है, परंतु इन स्तरों के इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन वर्जित बैंड पार कर अपूरित बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ से चलकर यहाँ चले जाते हैं, तो इनके द्वारा उत्पन्न रिक्तताएं होल का कार्य करती है, ये होल धनात्मक आवेश तथा धनात्मक प्रभावी द्रव्यमान की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो होल्स हैं इसी को हम बोल रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब इनके जो होल के जो प्रॉपर्टीज हैं, संयोज्य बैंड में होल धनात्मक आवेश के समान व्यवहार करता है, यानी होल का आवेश प्लस ई के इक्वल हो गया, होल का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान के प्रभाव होगा, होल का जो संवेग है मास ऑफ होल वेलोसिटी ऑफ होल, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस माइनस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, वेव कांस्टेंट, सिमिलरली होल की ऊर्जा और होल के गति के समय, इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा संवेग हो गया, वेव कांस्टेंट हो गया के एच तरंगीयता का मान टी एच डिवाइडेड बाय एच क्रॉस मींस माइनस पी ई डिवाइड बाय एच क्रॉस मींस माइनस के ई, एनर्जी लिखोगे तो ई एच इज इक्वल टू पी एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस एम एच स्टार, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस पी
प्रक्षेपण समान डिस्पर्शन रिलेशन। तो डिस्पर्शन रिलेशन में के वर्सेस ओमेगा के बीच में ग्राफ हम खींचते हैं, तो डेल्टा 2 साई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम ई डिवाइड बाय एस का स्क्वायर साई इक्वल 0 होगा साइज इक्वल सी ई रेस्ट ऑफ पावर आइटा के एच मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्यूशन होगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी साइज स्टार हो जाएगा सी ई रेस्ट ऑफ माइनस आइटा के एच, तो साइज साइज स्टार का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर। इसका मतलब एक्स वर्सेस साइज साइज स्टार के बीच में ग्राफ खींचा था, ये ग्राफ कॉन्स्टेंट समान होती है। लेकिन अगर क्रिस्टल में है